हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज फिश फार्म द कल्चर मेथड। सो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस किया जाता है फॉर द फिश फार्मिंग, स्पेशली फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग फॉर द फिशेज लाइक द लेबियो, कटला एंड द मृगला फिशेज। सो हियर व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट अ फिश कल्चरलिस्ट, जो भी फिश कल्चरलिस्ट हैं उन्हें जो है दे रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स सो दैट द रियरिंग ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ द फिशेस कैन बी डन। द स्टेजेस ऑफ द फिशेस आर लाइक द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द फिशेस, देन लेट स्टेजेस ऑफ द फिशेस। सो वेरियस स्टेजेस ऑफ द फिशेस दे आर प्रेजेंट, सो फॉर दिस द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉन्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जैसे अगर फिश कोई अर्ली स्टेज में है तो फिश का साइज छोटा होगा, सो उसके लिए अलग पॉन्ड यूज किया जाएगा। एंड इफ द फिश साइज इट इज लार्ज, देन शी विल require a larger pond for the survival. So इस तरीके से different different ponds required होते हैं for the rearing of various stages of the fishes. और ये जो है it is going to completely depend upon the layout, किस तरीके से fish farm का layout present है। सो जो डिज़ाइन है फिश फार्म का, इट इज ओनली गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द व्हाट एग्जैक्टली द साइज ऑफ द फिश इज। सो अगर साइज ऑफ द फिश जो है छोटी है, सो छोटा फिश फार्म लगेगा। एंड इफ द साइज ऑफ द फिश इट इज लार्ज, तो लार्जर साइज का जो है फिश फार्म की जरूरत पड़ेगी। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड द साइज ऑफ द पॉन्ड्स विच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली टू द साइज ऑफ द फिश कल्चर। सो जो प्राइमरी कंसिडरेशन है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फिश फार्म, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल, वाटर सप्लाई एंड द ड्रेनेज। सो द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी, इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से वॉट आर द मैथड्स एंड वॉट आर द कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड वेन एवर द फिश कल्चर इज टू बी डन, स्पेशली द फ्रेश वाटर फिश कल्चर फॉर द लेबियो, कटला एंड द मृगला। तो सबसे पहले कंपोनेंट आता है फिश फार्मिंग में, दैट इज द लोकेशन ऑफ द फिश फार्म, कि कहाँ एग्जैक्टली द लोकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए वेन एवर द फिश फार्मिंग इज टू बी स्टार्टेड, वॉट इज द टोपोग्राफी, वॉट इज द सॉइल टाइप एंड वॉट इज द काइंड ऑफ अ वाटर सप्लाई टू बी प्रोवाइडेड। Next is the layout of the fish farm. Here, the layout of the fish farm, there is a requirement of the hatching pits, nursery ponds, rearing ponds and the stocking ponds. Aur phir teesra component aata hai, that is the pond maintenance and the management. So first we will study about the location of the fish farm. To agar सक्सेसफुल फिश फार्मिंग करना है और ह्यूज इकोनॉमी ऑब्टेन करना है, देन द कंस्ट्रक्शन इट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन वेर एग्जैक्टली द साइट ऑफ द फिश फार्म इट इज प्रेजेंट। सो द साइट ऑफ द फिश फार्म इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन फैक्टर्स लाइक द टोपोग्राफी, सॉइल टाइप एंड द वाटर सप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोपोग्राफी के बारे में। हियर द टोपोग्राफी का मतलब है द सरफेस फीचर ऑफ द एरिया, मतलब क्या सरफेस है फीचर ऑफ द एरिया वेयर द फिश फार्मिंग इट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड देन द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द फिश फार्मिंग इट इज डन। सो आइडियल टोपोग्राफी जो है वो स्लाइटली स्लांटिंग होनी चाहिए, अ स्लोपी टेरेन इट शुड बी प्रेजेंट। सो जो भी फिश पॉन्ड है हियर द फिश फार्म है, इट इज शुड बी वाइड काइंड ऑफ अ बोल शेप, और जो थ्री साइड्स होनी चाहिए, द थ्री साइड्स द लैंड इट शुड बी हायर इन एलिवेशन, हायर इन लेवल, और बाकी का जो फोर्थ साइड है इट शुड बी नैरो, इट शुड बी काइंड ऑफ अ हैविंग। सो इस तरीके से जो एक तरीके का स्लोपिंग टेरेन जो है वो प्रोवाइडेड किया जाएगा, और ऐसे प्लेस जो है दे आर चूजन फॉर constructing the fish farm, and here this is how further the desirable type of a soil and water supply it should be available. So you can see how the three sides they are having kind of a sloping so here elevated region, और जो fourth side है it is kind of a narrow, so जिसकी वजह से एक sloping type का terrain obtain होगा। and here you can see this is the main supply of the water, and here this is how the inlet of the water it is going to takes place in the fish farming, and here this is the region that is called as outlet, यहाँ से जो है drainage of water it is going to be seen here। ऐसे एरियाज जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल्सो कन्वर्ट इन टू द लार्ज पॉन्ड बाय मेकिंग अ एम्बिंकमेंट। एम्बिंकमेंट का मतलब है दैट इज वॉल, सो दैट द प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ द वाटर, और इस तरीके से ड्रेसिंग अप किया जाता है बॉटम को दैट द यूनिफॉर्म डेप्थ शुड बी प्रेजेंट, और जो भी बॉटम है इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वाटर लीकेज। और ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है प्लान को सो दैट नॉर्मल हैंडलिंग ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर कुड बी टेकन प्लेस, और कंप्लीट ड्रेनेज जो है वो भी इजीली किया जा सके। नेक्स्ट इज द सॉइल टाइप। कभी भी फिश, दैट इज फिश फार्मिंग के लिए जो है द सॉइल इट शुड बी इम्पर्वियस। इम्पर्वियस मीन्स इट शुड नॉट अलाउ द फ्लूइड टू पास थ्रू इट, सो किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होना चाहिए वाटर में, इसीलिए जो भी रॉकी, सैंडी और लाइमस्टोन सॉइल है इट शुड बी अवॉइडेड। सो हियर द हैवी सॉइल एंड द सिल्टी क्लेई सॉइल इज टू बी यूज फॉर द फिश फार्मिंग।
सो ऐसे एरियाज में जो है हेयर द हैवी क्ले एंड सिल्टी क्ले सॉइल आर टू बी वेरी मच सुटेबल सॉइल. सो ऐसा इसीलिए बिकॉज दीज सॉइल आर द वन विच इज गोइंग टू एबल स्टोर द वॉटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और हेयर द पोरस सॉइल इट शुड नॉट बी यूज फॉर द फिश कल्चर. सो वेन एवर द कंस्ट्रक्शन इट इज डन ऑफ द स्टॉकिंग पॉन्ड्स नर्सरी पॉन्ड्स एंड द रियरिंग पॉन्ड्स द सॉइल इफ इट इज पोरस हेयर देन इट विल नॉट एबल टू होल्ड द वॉटर फॉर अ लॉन्गर period of time. The water will be holded for a short period of time, and that is why. And if the porous soil it is present, then it is necessary to be treated with the clay or the soil sealant agent. Then now, next we are going to study about the water supply to be provided for the fish farming. So first of all, a huge abundant amount of water it is required and it is essential for the fish farming. So the sources of water supply, it is going to be from the lake, springs, rivers, streams, canals, surface runoff, and as well as from the wells. So the dam it is one of the cheapest water source available for the fish farming. So even if the springs they are good and if they do not dry up during the summer, then it is also a very good source of water for the fish farming. And the water it is available from the streams, rivulets it is also a stream of water, and canals, they completely satisfactory source of water hai, and it is the one which is enoughly providing the water for the ponds and constant water supply jo hai wo maintain करेंगे, लेवल मेंटेन करेंगे. एंड हियर समटाइम्स इट मे हैपन दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन द सिल्ट इट इज आल्सो कैरिड अवे अलोंग विद द वाटर. So the water of the river supply through the canal, it is one of the satisfactory and dependable source of water. Now we will talk about the layout of the fish farming. So jab bhi fish farming start karte hain, ek proper layout, ek plan hona zaruri hai. So layout plan jo hai, first of all location kaun si hai, design kaisa hona chahiye fish farming ka, number of ponds kitne hone chahiye, and this is how further the construction it is to be started. So when we talk about if the maintenance of the fish farming it is to be done, then small size fish farm it is enough, like for about 0.04 hectares of this farm it is enough. Lekin agar commercial or experimental fish farming karna hai, experimental fish farming karna hai, then large size of the fish farm it is required, so that the nursery pond bana sake, rearing pond bana sake, stocking pond and breeding pond bana sake. So various farm buildings like the laboratory bhi dekhne milta hai that it is constructed for the commercial and एक्सपेरिमेंटल फिश फार्मिंग. लेबोरेटरी है, स्टोर हाउस है, वॉचमैन हट है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग विद द लार्ज पॉन्ड साइज फार्म. So here a fish farm jo it consists of about 4 to 5 types of pond. So here there are having a particular specific purpose, jaise ki hatching pits hain, nursing ponds hain, rearing ponds and stocking ponds hain. These are the different types of ponds which are seen during the fish farming. So here first we will talk about the hatching pits. Hatching pits जो हैं ये सबसे छोटे small tanks हैं जो कि use किए जाते हैं. So whenever the eggs they are hatched, तो जो भी fish produce होगी it is going to have a very small size. So उसके लिए जो है hatching pits ज़रूरी होते हैं. और here the water it is going to be from the river and collection from the ground. And continuous flow होना चाहिए water का, and the slow continuous flowing of the water it should be provided, ताकि continuous aeration भी मिलता रहे eggs go. And a smaller cloth tank called hapa which is used for as a hatching pit, and it is one of the cheapest method for the hatching pits. And here there is also used of the mosquito curtain cloth, so that it could be fixed up at a particular location. Next comes the nursery ponds jo hai hatching pits se zyada large hote hain aur ye seasonal hote hain, ye dry up ho jate hain during the summer, and it helps in eradication of the fish enemies. Agar suppose koi water supply hai, okay, water, if the, suppose this is a water supply of the for the fishes, then here the nursery ponds it helps in eradication of the fish enemies, and it also increases the productivity. Next is the rearing ponds. Rearing ponds they are also larger than the nursery pits. और ये जो ponds हैं ये seasonal होते हैं और या तो फिर perennial भी हो सकते हैं. It means they exist for a longer period of time. And they are used for rearing advanced fries. मतलब कि थोड़ी और larger size की जो fishes होती हैं उसके लिए use किया जाता है for about 2 to 3 months. और these ponds here they are kind of a long and narrow. और ये थोड़े से gently sloping होंगे.
नेक्स्ट इज द स्टॉकिंग पॉन्ड्स. स्टॉकिंग पॉन्ड्स दे आर लार्जर देन द रियरिंग पॉन्ड्स. दे आर फेयरली एंड लार्ज पेरिनियल टैंक्स. मतलब दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दे आर मोर डेप्थ एंड दे आर हैविंग मोर दे आर गोइंग टू बी लॉन्ग एंड दे आर गोइंग टू बी मोर कंस्ट्रक्टेड सो एज टू फैसिलिटेट द नेटिंग. Besides the above, a few marketing ponds can be provided in a farm for keeping fish ready for the market. Now we are going to study about the pond breeding. Pond breeding jo hai, a couple of breeding ponds, it is to, required for the breeding purpose. So here you can see that how the male and female fish, the breeding it is seen. And here is tarike se jo hai, one of the pond, it is also used for the breeding purpose. So here female, so jo female fish hai, they are going to be given some kind of injection so that the spawning, it could be induced. Spawning ka matlab hai, that is that here the release of the egg, it is going to be in a huge amount. और जैसे ही मेल एंड फीमेल मेट करेंगे, हियर द ह्यूज नंबर ऑफ एग्स दे आर गोइंग टू गेट फर्टिलाइज एंड मोर नंबर ऑफ फिशेस दे आर गोइंग टू गेट ऑब्टेन. सो वेरियस पॉन्ड्स जो हैं, दे कैन बी अरेंज्ड इन वन और मोर रोज इन अ फॉर्म विद अ स्पेस ऑफ अबाउट 4 to 5 बिटवीन देम एंड लॉन्ग नैरो एंड डीप पॉन्ड्स दे आर बेटर देन द स्मॉल वंस. So suppose these are the inlet pipes which are going to provide the water supply to this ponds. So here the inlet jo hona chahiye pipe, it should be elevated, it should be at a higher level, and here the entrance of the wild fishes can also should also be prevented. So jab bhi water ka supply diya jaye, yahan par jo ek proper netting hona chahiye, ek proper jali honi chahiye taki water supply ke source ke dwara jo hai unwanted fishes jo hai wo enter na kar sake, koi enemies enter na kar sake. So it is to be protected and even and this is the outlet of the water. Outlet of the water se jo hai jo bhi hum fish ka culture kare, they should not be able to escape from through the outlet region. Isliye yahan par bhi netting jo hai zaruri hai, it is important. And fencing it is also be should be used so that agar koi cattle hai, unnecessary cattle, they should be prevented by the use of the fencing. Now we will talk about the pond maintenance and the management. अगर pond की जो productivity है increase करना है, so proper soil it is required, and here there are some of the factors which are important. जैसे कि controlling the vegetation. कभी कभी unwanted plants भी grow कर जाते हैं. Unwanted plants जैसे कि weeds, they can grow. So इसीलिए proper तरीके से regular manner में remove करना unwanted plants को, it is very important. Then next, ponds जो है एक regular interval के time पे जो है उनको empty करना चाहिए, dry up करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी यूजफुल फॉर मेंटेनेंस. नेक्स्ट आता है, दैट इज द लाइमिंग. लाइमिंग जो है, सो अगर पॉन्ड सॉइल की जो है फर्टिलिटी इंक्रीज करना है, देन लाइम, क्विक लाइम इट इज जनरली यूज्ड. और हियर एक्चुअली ये लाइम क्या करता है, पीएच ऑफ द वाटर को जो है रेज कर देता है, जिसकी वजह से जो भी पैरासाइट्स हैं they can be killed. So anti-parasitic substance that is liming, it is going to act, so it kills the bacteria and other fish parasites. So liming it is to be done jab pH it is low, okay, acidic. So soil is too muddy and organic matter it is too high, that is why the liming it should be done. So jab bhi pH bahut zyada low ho, acidic ho, so soil it is too, and soil is too muddy and organic matter is too high, at that time the liming is to be done. Liming karne se jo hai bacteria ki death ho jayegi aur fish ke upar jo rehne wale parasite hai, they also is going to be die. इसलिए liming जो है, it is going to act like an anti-parasitic substance. Next, a high dose of about 100 to 200 kg per hectare it is sufficient if liming is done every year regularly. Next हम बात करते हैं fertilization की. Fertilization का मतलब है अगर productivity का increase करना है तो natural food जो है it should be available for the fishes. So various organic, so various inorganic fertilizers जो है they can be used. So inorganic fertilizers like the super phosphate, they are used in many countries to raise the product of the fishes. और कुछ inorganic fertilizers जैसे sodium nitrate, nitrate, ammonium sulfate, ammonium nitrate, ammonium carbonate and even the urea it is used. So iske wajah se hota kya hai, jo phytoplanktons hai which do photosynthesis and even the zooplanktons which are dependent on the phytoplanktons, inka number increase ho jayega. Aur jaise hi zooplanktons ka number increase ho jayega, now the fishes they are going to feed on the zooplanktons. Matlab huge amount of zooplanktons it is going to provide huge amount of water for the fishes. Iska matlab hai jo productivity hogi fish farming ki, it is going to be high. कभी कभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है टू एनहेंस द नंबर ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स. सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे कि काउ डंग है, पिग डंग है, इट इज द वन विच इज गोइंग टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द ज़ूप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसकी वजह से जो फूड फिश प्रोडक्शन है इट इज गोइंग टू एनहेंस. और ये इंपॉर्टेंट भी है, एक तरीके का बैलेंस.
बायोलॉजिकल साइकिल देखने मिलेगा. देर आर सम ऑफ द मोर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक द मैन्योर, सोयाबीन मील है, कॉटन सीड है, मील, मस्टर्ड ऑयल है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू एनहेंस द फिश प्रोडक्टिविटी. मस्टर्ड ऑयल केक्स, इट इज वेन अलोन वेन कम्बाइंड विद द काउडंग, सो इट इज गोइंग टू बी यूज एज अ पॉन्ड फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से इंडिया में जो है प्रोडक्टिविटी फिश की काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है. बंगाल में जो है ग्रीन ग्रास का यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विद द ड्राई काउडंग एंड इवन द पोल्ट्री मैन्योर इट इज यूज एंड ऑयल केक इट इज यूज फॉर मैन्योरिंग द फिश पॉन्ड. और कंपोस्ट भी तैयार होता है by dumping manure and vegetable matter in the large pit. So ये सारे manure जो हैं, here this is going to enhance the number of the phytoplanktons, zooplanktons. Or here this is how the compost it is also be done by making the dumping manure and the vegetable matter in a large pits. Or जो pit जो है further it is covered with the earth and it is ready in 3 months. So इस तरीके से जो कंपोस्ट है अबाउट 5,000 kg ऑफ कंपोस्ट पर हेक्टर इट गिव्स अ ह्यूज ग्रोथ ऑफ द प्लैंकटन इवन द जू प्लैंकटन एंड द फाइटोप्लैंकटन. नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल फीडिंग की. फिश जो है अगर उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आर्टिफिशियल फीडिंग भी किया जाता है, जैसे कि यूज ऑफ होल ग्रेन्स, फ्लोर, राइस ब्रैन, ऑयल केक्स, किचन वेस्ट. इट इज ऑल्सो बीन यूज एज अ फूड फॉर द फिशेज. Even the fish meal, meat, blood, it has also been useful as a artificial feeding for the fishes. Aur is tarike se jo food, it can be kept in basket or spread on the water for them. अब हम बात करेंगे फिशिंग की और यू कैन से द हार्वेस्टिंग की. सो अगर वेन एवर द साइज ऑफ द फिश दे ऑप्टेन एट ऑप्टिमल एज, मतलब कि जैसे ही ऑप्टिमल साइज तक पहुंच जाएंगे द फिशेज, व्हेन दे रीचेस अप टू अ मैक्सिमम साइज देन द फिशिंग और हार्वेस्टिंग इट इज डन. तो फिशिंग और हार्वेस्टिंग किया कैसे जाएगा? हार्वेस्टिंग का मतलब है द कैचिंग ऑफ द फिशेज. तो दो तरीके के होंगे, या तो ड्रेनेज करके या नेटिंग करके. नेटिंग करके आप कलेक्ट कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं फिशेज का, या तो फिर जो पॉन्ड है इसका जो वाटर है वो ड्रेनेज करना जरूरी है. सो हार्वेस्टिंग के लिए कंप्लीट हार्वेस्टिंग के लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीडेटर इट कैन बी एलिमिनेटेड. सो हियर बाय ड्रेनिंग, ड्रेनिंग करने से जो है एज द वाटर इट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड आउट देन द फिश कैन बी कलेक्टेड. और इस तरीके से जो है जो प्रीडेटर होंगे यहाँ पर इन द वाटर इट इज ऑल्सो बीन एलिमिनेटेड. और ड्रेनेज के टाइम पे जो है जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है इट इज लेस. और पॉन्ड जो है इट कैन बी ड्राइड, इट कैन बी लेटर क्लीन्ड, इट कैन बी रीपैड एंड अगेन द सॉइल इट कैन बी रिच विद द फर्टिलाइजेशन. इट कैन बी फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड इन द सॉइल. सो इस तरीके से जो है बाय रिमूविंग द कंप्लीट वाटर द फिश कैन बी कलेक्टेड. लेकिन हियर द वाटर इट इज लॉस्ट बाय द ड्रेनिंग process. So however, if the pond they are constructed in a row, loss of water can be avoided and the ponds are drained by turns. So this is how students the fish farming culture it is done. And here the video ends and thank you very much.